की धमकियों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि वो इजराइल का कवच बनकर खड़े हैं। बाइडेन ने दो टूक कह दिया कि अगर इजराइल की तरफ ईरान ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब इजराइल को ईरान ने खरोंच भी पहुंचाने की कोशिश की तो बाइडेन तबाही मचा देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ साफ कह दिया कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। Our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies. बाइडेन ने इसराइल को भरोसा दिया कि अमेरिका की सेना ईरान के हमले के खिलाफ इसराइल के लिए रक्षा कवच की तरह काम करेगी। बाइडेन के इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। वैसे लंबे वक्त से ये दोनों पुराने दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ जंग की तलवारें लहरा रहे हैं, लेकिन पिछले साल शुरू हुई हमास और इसराइल की जंग ने इस दुश्मनी की आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि ईरान हमास का समर्थक है और इसराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। लेकिन अमेरिका हर वक्त इसराइल के दुश्मनों के सामने किसी चट्टान की तरह खड़ा रहता है। हालांकि खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकियों की परवाह किए बिना ईरान इसराइल से उसके दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने की प्लानिंग में जुट गया, क्योंकि एक रोज पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने की हुंकार भरी थी। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के दूतावास पर भीषण हवाई हमला हुआ था। ईरान ने उस भयानक हमले का आरोप अपने कट्टर दुश्मन इजराइल पर लगाया था और बदले की आग में जल उठा। ईरान ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके दूतावास पर हुए हमले को ईरान की धरती पर बमबारी करने जैसा बताया। ईरान के मीडिया के मुताबिक दमिश्क में हुए हवाई हमले में ईरान के 2 टॉप जनरलों समेत 7 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। हमले के बाद गुस्से में आग बबूला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने 2 टूक कह दिया कि दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। ईरान ने उस हमले के लिए सीधे सीधे इसराइल को जिम्मेदार बताया और उसे इसकी कीमत चुकाने की धमकी दे दी। लेकिन खबरों के मुताबिक ईरान से लगातार मिल रही धमकियों के बीच इसराइल ने बेहद खतरनाक प्लान बना लिया। इसराइल की मीडिया के मुताबिक उनकी सेना ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी में जुट गई और दावा किया गया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने के लिए इसराइल में लड़ाकू विमानों की एक बड़ी ड्रिल भी की गई। यानी अगर ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग का बिगुल फूंका तो इसराइल की फौज सबसे पहले उसके परमाणु ठिकानों को ही निशाना बनाएगी, और अगर इसराइल ने ऐसा किया तो भयानक तबाही आ सकती है, क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच अगर जंग छिड़ी तो इसका दायरा बहुत बड़ा होगा। ईरान की धमकी और इसराइल और अमेरिका के तेवर की वजह से पश्चिम एशिया और यूरोप के कई देश डर गए, और जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस ने तो ईरान की राजधानी तेहरान की सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया था। एयरलाइंस ने यात्रियों और अपने स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया था। ईरान के मीडिया के मुताबिक इसराइल के खिलाफ जंग के लिए उसके देश की सेना ने तैयारी शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक वहां की सेना ने तेहरान के सभी हवाई क्षेत्रों को मिलिट्री ड्रिल के लिए बंद कर दिया, और अमेरिका में ईरान के हमले के खिलाफ हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और अमेरिका में ईरान के अटैक को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यानी ईरान ने एक भी बम इसराइल की जमीन पर गिराया तो जंग का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। बढ़ते तनाव के बीच ईरान को लेकर अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। अखबार के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम का इतना बड़ा भंडार जमा कर लिया है कि वो सिर्फ 1 हफ्ते में 3 शक्तिशाली परमाणु बम बना सकता है। खबरों के मुताबिक द वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के बाद इसराइल और अमेरिका ही नहीं दुनिया भर के कई देश तनाव में आ गए, क्योंकि परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में भयानक तबाही आ सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने इस साल ज्यादा बारिश होने की संभावना जता दी। मौसम विभाग ने संभावना जताई कि इस साल मॉनसून जल्दी आ सकता है और अधिक बारिश होगी। जुलाई से सितंबर तक कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी।